हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड 21 में। सो गाइस, लास्ट संडे पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करे थे एंड वापस से जो है इस वीडियो में हम लोग काफी मस्त मस्त क्वेश्चन के रिप्लाई करने वाले हैं जो आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं। तो गाइस, आपको वीडियो एंड तक देखते रहने का बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है युवराज दी गॉड गेमर की तरफ से वो बोल रहे हैं, पबजी लवर बी लाइक बस अब पबजी आ जाए 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा भगवान को। तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है, पबजी आप सभी को पता ही होगा, पबजी का एक जो है न्यू वर्जन आ रहा है जिसका नाम है पबजी न्यू स्टेट एंड वो बहुत ही जल्द आ जाएगा इंडिया में। बाकी देखा जाता है कि क्या सीन होने वाला है, देखते हैं कितना डिफरेंस रहने वाला है। बाकी भगवान की बात रही तो सब कुछ भगवान के भरोसे है। कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है वंडर लस्ट की तरफ से बोल रहे हैं, बाय शुड आई 1+8 और वेट फॉर 1+9। तो आई थिंक आपको 1+8 की तरफ जाना चाहिए अगर आप जो है अभी एकदम अर्जेंटली लेना आपको, क्योंकि 1+9 का आई डोंट नो कि कब तक जो उसके लॉन्च होगा, मे बी अगस्त लग जाएगा या फिर जुलाई भी आ सकता है, जुलाई में भी लॉन्च हो सकता है। तो अभी काफ़ी टाइम है, अराउंड 3-4 महीने हैं। तो अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो आप 1+8 की तरफ जा सकते हो। एंड देखा जाए कंपेरेटिवली 1+ की नॉर्मल जैसे 1+9 सीरीज, 7 सीरीज, 7T वाली सीरीज होती है, वो एक्चुअल में ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देती है। तो अगर आप 1+8T की तरफ जाओगे कंपेयर टू 1+9 तो आपको जो है अच्छा रहेगा। बात करते हैं अगले कमेंट की, जो है एसके मित्तल ऑफिशियल की तरफ से बोल रहे हैं, भाई अपनी ओटीएच की प्लास्टिक सर्जरी कब करा रहे हो? प्लास्टिक सर्जरी मैं क्यों ही कराऊंगा, बाय द वे कराऊंगा तो इस चीज की कराऊंगा यार, पता नहीं क्या हो रखा है मेरे, आई डोंट नो यहाँ पे क्या है, बट है यहाँ पे कुछ कराएंगे भाई, प्लास्टिक से जब बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे यूट्यूब से। बात करते हैं अगले कमेंट की, जो है नेगेटिव गेमर बोल रहे हैं, भाई अगर मैंने किसी और चैनल की बंदे की वीडियो को दूसरे ऐप से कॉपी करके यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया अपने चैनल पे तो चैनल को बंद कर देगा या नहीं? तो ऐसा नहीं है, हमारा चैनल जो है बंद नहीं हो सकता, बट आपको जो है वो बंदा या फिर जिसकी भी आप कॉपी कर रहे हो वीडियो, वो जो आपको कॉपीराइट दे सकता है वो वीडियो रिमूव हो सकती है या फिर आपको क्लेम आ सकता है। बट गाइस, ऐसा नहीं है कि आपका चैनल बंद हो जाएगा। हाँ, अगर स्ट्राइक भी दे दी 3-4 और 3 स्ट्राइक के बाद ऑलमोस्ट 7 दिन के अंदर अंदर चैनल टर्मिनेट हो जाए। हम बात करते हैं अगले कमेंट की, जो है मेथोनिक गेमिंग की तरफ से वो बोल रहे हैं, बाई टॉक अबाउट दी क्रिप्टो करेंसी बिकॉज मैनी ऑफ देम हैव अ बैड एंड वेरी बैड आइडिया अबाउट क्रिप्टो ऑफ करेंसी क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसी की बात रही तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन तो बिल्कुल इलीगली है, और बात रही भारत की तो भाई बाहर बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें। एंड मैं सच बताऊँ तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो भाई जाओ ही मत इसके तरफ। मेरे को भी मैं बताऊँ तो 100% बिल्कुल नॉलेज नहीं है, यानी मेरे को अराउंड 30% तो मेरे को भी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को शेयर नहीं कर सकता। बाकी मैं अगर इसके बाद पूरी रिसर्च करूंगा तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाऊंगा। अब हम बात करते हैं अगले कमेंट की, वो बोल रहे हैं कॉमेडी विंड, वो बोल रहे हैं वेटिंग फॉर 5G सो फाइनली आई कैन गेट स्पीड ऑफ 4G। सो एक्चुअल में यही बात है, बहुत से लोग सोचते हैं जो 4G ऊपर लिखा हुआ है वो एक्चुअल में 4G है, बट गाइस मैं आप सभी को बताऊं तो जो आप बाहर देश में 4G यूज करोगे, जैसे US हो गया, कनाडा हो गया, दुबई हो गया, वहां की जो 4G की स्पीड होगी और इंडिया की 4G की स्पीड होगी उसको आप जब कंपेयर करोगे ना भाई, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। यानी अगर आप दुबई में रहते हो वहाँ 4G यूज करोगे, 4G इंटरनेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जो है डेटा यानी 1GB फाइल अराउंड 10-15 मिनट में डाउनलोड कर देगा। यहाँ अगर आप 1GB फाइल जियो के डेटा या एयरटेल के डेटा से करोगे, एयरटेल का तो खैर अच्छा ही चलता है लेकिन जियो के डेटा से करेंगे तो भाई उसमें आपको दिन भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, कोई कहना नहीं है, क्या ही बोलूं। तो यही है, यानी 5G जब आ जाएगा 2021 में या 2022 में तो एक्चुअल में 4G की थोड़ी स्पीड जो है इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उस पे जो है कनेक्शन थोड़े से रिलीज कर दिए जाएंगे। आखिरी कमेंट की, जो है विशाल साहू की तरफ से बोल रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस गाइस, अब जो है सोशल मीडिया फ्रीली यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअल ये जो कमेंट है मेरे को कल इंस्टाग्राम पे भी आया था, तो भाई इसका मैं आप सभी को बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कुछ नए सोशल मीडिया रूल्स निकाले हैं जो आप सभी को मैंने बताई दिए होंगे, इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने ये देख लिए होंगे और यूट्यूब पे इंटरनेट पे। तो आप लोग बताओ गाइस कैसे रहे ये सोशल मीडिया के जो है नए नए रूल्स गाइडलाइंस। तो इसमें जो है गाइस हमारे फ्रीडम टू स्पीच तो है बट अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। बाकी यार मैं तो यही है कि रोस्टर जो यानी यूट्यूब है, अगर हम परमिशन लेके बना रहे हैं एंड एक हेल्दी रोस्ट है, किसी के हम फैमिली पे बैकग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं तो ठीक है। बाकी एक मुझे सबसे अच्छा जो है गाइडलाइन लगी, जो एक रूल है जो हम वह फेक अकाउंट नहीं बना सकते अब, यानी हमें जो है वेरीफाई करना पड़ेगा, तो इस चीज़ से यार बहुत अच्छा है। ये फेक अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा सीन होते थे, मेरे साथ भी हुए बहुत बार। तो आप लोग बताना कैसे रहे ये रूल्स, अगर आपको नहीं पता तो आप जो इंटरनेट पे जाके देख सकते हो, और कमेंट करके जो बताना कैसे लगे नए रूल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं नहीं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।